स्टार्ट देश की आर्थिक अवस्था का जो विवरण वित्त मंत्री जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है वह संतोषजनक है। हम देश की आर्थिक अवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ रहा है, जिससे आशा की एक झलक दिखाई पड़ रही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हम एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च करने जा रहे हैं। यह भी एक आशाप्रद बात है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी मैंने वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ खींचा था और आज फिर खींचता हूँ कि देश की वर्तमान आर्थिक अवस्था का चित्र हमारे सामने रखने के साथ ही साथ उन्हें यह भी बतलाना चाहिए था कि इस देश के अंदर उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वह समाज के किस अंग से किस रूप में उपयोग में लाई गई है। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या गरीबी और बेकारी को खत्म करना है। ये दोनों बीमारियां हमारे समाज के अंदर कैंसर की बीमारी की तरह से हैं। आज तक डॉक्टर यह नहीं सोच पाए कि कैंसर की बीमारी के लिए कौन सी दवा उपयुक्त है। उसी तरह वित्त मंत्री जी इस विद्या के विशेषज्ञ होते हुए भी इस बीमारी की असल दवा हमें बताने में असमर्थ रहे। यह ठीक है कि बेकारों की बेकारी की समस्या को महसूस करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी योजना का काम आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे यह पता लगता है कि बेकारी भी उसी गति से बढ़ती जा रही है। गरीबी का सवाल बेकारी की समस्या से जुड़ा हुआ है। अगर लोगों को काम तो बेकारी दूर होगी और देश से गरीबी भी दूर होती जाएगी। पैराग्राफ चेंज। मेरे मित्र ने यहाँ अपने विचार प्रकट करते हुए अभी कहा कि देश की उन्नति के लिए नागरिकों को त्याग करना चाहिए। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से महसूस करता हूँ और हमारे देश की जनता भी इसको बहुत अच्छी तरह से जानती है कि बिना कष्ट उठाए पूंजी जमा नहीं हो सकती और बिना पूंजी के विकास नहीं हो सकता। परंतु सिर्फ सदन में खड़े होकर कह देने से पूंजी नहीं बढ़ सकती। स्टॉप।